था कि मैं 2016 में मैंने रेप लॉ के विरोध में याचिका डाली थी कि बहुत ड्रिकोनियन है और बहुत से झूठे केस लगाकर लोगों को फंसाया जा रहा है। तो मैं अमित शाह जी के पास याचिका लेकर अपनी गई और मैंने फिर वही इनसे कहा कि आपकी लीगल टीम जो है वो बढ़ चढ़ के वही बातें करती है जो लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट माफिया करता है, कन्वर्जन माफिया करता है, और रेप लॉ भी हमारे समाज को तोड़ने का बड़ा षड्यंत्र है। लोग शादी करने से भी डरते हैं अब तो, और महिलाओं को नौकरी देने से डरने लगे हैं। इतनी विषमता ला दी है आपने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को लेकर, और वो सारी भुगतान तो हम कर चुके थे उन केसेस के, लीगल एड मैंने बहुतों की थी, तो मैं जानती थी कि ये कितना भयावह है। और वर्मा कमीशन को मैंने रिटर्न सबमिशंस भी दिए थे इसके खिलाफ जो वो प्रपोज कर रहे थे। तो 2 साल 2.5 साल हमारी याचिका सुनवाई उसकी हमारी मेरी याचिका की सुनवाई बाकायदा होती रही हाई कोर्ट में 2 ढाई साल। अमित शाह जी के पास मैं जाती हूँ ये कहने कि कृपया आप एक बार नजर भर कर देख लीजिए मैंने क्या क्या एविडेंस दिया है, ये कानून कितना भद्दा है, कितने लोग, कितने मासूम परिवार तबाह हो गए, कितने पुरुषों ने खुदकुशी कर ली क्योंकि झूठे रेप केस में फंसाया जा रहा है, और बहुत आसान हो गया है जिस तरह का कानून बनाया है। तो आप देख तो लीजिए। और मैंने ये भी कहा कि मैं जावड़ेकर जी से भी मिली थी, पर उन्होंने भी यही कहा कि इस पे हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हाँ, जावड़ेकर जी ने भी ये कहा था, तुम्हारी फेमिनिस्ट बहनें मुझे कच्चा चबा के खा जाएंगी। तो देखा, सरकार में आप हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि वो कच्चा चबा के, उनको आपसे डरना चाहिए और आप उनसे डर रहे हैं, ये क्या? खैर, नहीं माने तो मैं अमित शाह जी के पास गई। उन्होंने कहा ठीक है मधु, मैं उनको भी बुलाऊंगा और आपसे बातचीत फेस टू फेस कराऊंगा और हम देखेंगे। पर मुझे लगता है कि अमित शाह जी को अंदेशा मिल गया या उनको इशारा मिल गया कि ये नहीं सुनना, आपने बिल्कुल बात नहीं सुनी क्योंकि ऊपर से हाई कमांड से ऑर्डर आया होगा, क्योंकि उसके बाद अमित शाह जी ने उस सवाल पे मेरी बात सुनने से बिल्कुल मना ही कर दिया। अब ये भी कुछ छोटी मोटी बात नहीं मांग रही थी, ये राज्यसभा सीट की बात कहते हैं, वो मांगी होती बड़े आराम से मिल गई होती। मैं ये कह रही हूँ इस समाज को टूटने से बचाओ, हमारे निर्दोष बच्चों को झूठे केसों में फंसा कर जो मरवाया जा रहा है उससे बचाओ, लाखों की जिंदगियां तबाह हो रही है। ये मांग राज्यसभा सीट की तुलना में आप बताइए कहाँ खड़ी होती है। अच्छा, अब एक जहां थोड़ी फिर वही है, इन्होंने क्या किया? हाँ, रेप वाले केस में, अरे ये तो बताया ही नहीं मैंने आपको, रेप वाले केस में संदीप देव जी 2.5 साल वो केस चला है, एकाएक जिस दिन सुनवाई भी नहीं होनी थी तो हमारे वकील ने कुछ वहां पे सिर्फ कागज दर्ज करने थे रिजॉइंडर के रूप में, तो जज ने कह दिया ये तो फिट ही नहीं बैठता, ये तो एंटरटेन ही हो नहीं सकता, ये तो फ्रिवलस केस है, आई एम डिसमिसिंग द पिटिशन। आप मानेंगे डिसमिस? 2.5 साल सुनवाई के बाद आप सोचो डिसमिस हो जाता है अगस्त दो दो हजार समाज को, एंड इट वॉज अ वेरी वेल आर्ग्यूड केस, फ्लिमसी नहीं था। तो इसका मतलब फॉरेन फंडेड एनजीओ के इशारे पे चलती है सरकार, और हमारी कोई भी साथ नहीं कि हम न्याय या अन्याय की बात भी अपनी सरकार के दरबार में पहुंचा सके। तो उस सरकार के, और आपने बता भी दिया ना कि फॉरेन फंडेड एनजीओ के प्रभाव में जो चलती है, एफसीआरए के सारे डाटा वेबसाइट से हटा दिए और एफसीआरए में संशोधन ला के उनको और रास्ता खोल दिया, तो ये तो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो मुझे ये बताइए ऐसी सरकार में दरबारी बन के मैं क्या करूंगी? ठीक बात है।
क्या करूंगी, है ना। अच्छा, फिर अगस्त 23, 2020, बीबी लाल जी आप जानते हैं, वो फेमस आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने, हाँ, जो सरस्वती नदी पर काम किया पूरा, वो भी, और साथ में कालीबंगन 5000 साल पुराने राजस्थान में कुछ अवशेष हैं, 5000 साल पुराने अवशेष, और पुराना किला में जो महाभारत काल के अवशेष मिले हैं, जो कि पांडवों का किला कहलाया जाता था, जो हस्तिनापुर था, उसको अब इन्होंने इस्लामी टोपी पहना रखी है, और वो कालीबंगन को लेकर विशेष कर विचलित थे, क्योंकि सारी जो उन्होंने खुदाई की थी वो ओपन टू एलिमेंट्स थी, और इतना बड़ा मिट्टी का पहाड़ उसके ऊपर बन गया था, जो इतनी मेहनत का काम था। आप सोचिए 5000 साल पुराने जो आप खुदाई हो, उस वक्त की इकोनॉमी, उस वक्त की खेती, इतनी सोफिस्टिकेटेड जानकारी उससे मिल रही थी, तो वो बड़े दुखी थे कि उसको प्रिजर्व भी नहीं किया गया। तो जब मैंने सुना उसके बारे में, और उन्होंने एक बहुत मार्मिक चिट्ठी, वो करीब 100 साल की उम्र के होकर उनका देहांत हुआ, तो 90 के अपने उम्र में, 95 साल या 96 साल के थे जब उन्होंने बहुत मार्मिक चिट्ठी भी लिखी थी मोदी जी को, कि मोदी जी कृपया इसको बचा लीजिए, हमने सोचा था कि भाजपा सरकार आएगी तो जो कांग्रेस शासन की सेक्युलरिज्म आड़े आ जाती है, हमारे रास्ते में रुकावट बन जाती है, वो तो नहीं होगी वगैरह वगैरह। उनको कोई जवाब नहीं मिला था, तो मुझे जैसे ही पता चला मैं उनके घर गई, काफी वो बुजुर्ग थे, बहुत कमजोर उनका स्वास्थ्य था, फिर भी मैंने इंटरव्यू उनकी की और मोदी जी से अपील की, और वो मैंने रिलीज भी की इंटरव्यू उनकी, और आर्टिकल भी किया। मैं पर्सनली जाना बंद कर दिया था मोदी जी के पास, तो मैंने मांग की कि कृपया कालीबंगन को बचाइए। अब हुआ क्या, कालीबंगन तो नहीं बचा, पर पद्म विभूषण अवश्य मिल गया उनको। अब ये क्या कहें हम। अच्छा है, मुझे खुशी है कि जरा खोलिए, मैं उनकी शक्ल तो दिखा दूं। महानुभाव, बहुत अहम काम किया, स्लाइड में है मेरे पास, पद्म विभूषण मिल गया, अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम उनको लगा किसी ने देखा तो, पर जो वो कह रहे थे वो तो नहीं आपने किया ना, वो तो नहीं आपने किया ना, वो जो जरूरी था काम वो नहीं किया आपने। फिर मैंने पर्सनल तो नहीं गई, सितंबर 13, 2021 में, अच्छा ये तुरंत कुछ हुआ था काम, ये जरा ऑन करने दो। ये मैंने ओपन लेटर लिखी थी अमित शाह जी को कि ये जो दो फॉरेन फंडेड एनजीओज हैं, माया दारूवाला का कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव और इंडियन पुलिस फाउंडेशन, सारा ठेका इनको सौंपा हुआ था पुलिस रिफॉर्म्स का। इन्होंने आनन फानन में इतने गलत रिफॉर्म्स करवाए जिस पे सुप्रीम कोर्ट का भी ठप्पा लगा दिया, उसका सारा एनालाइज करते हुए मैंने लिखा अमित शाह जी को कि कृपया इनकी फॉरेन फंडिंग बंद करो, क्योंकि आपने आउटसोर्स कर दिया पुलिस रिफॉर्म्स। कैसे आपकी पुलिस काम करेगी, कैसे नहीं करेगी, वो ये तय करेंगे, तो आप होम मिनिस्ट्री किस लिए है? और ये जो माया दारू वाला कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव वाली, सोरोस की बड़ी चमची है, उसका भी बहुत पैसा लेती है, और प्रकाश सिंह जी रिटायर्ड आईपीएस थे लेकिन उसी एजेंडा पे चल रहे थे ये दोनों मिलके। तो ये मैं मानूंगी, ये जो मेरा आर्टिकल था ओपन लेटर के रूप में, प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ, विद इन अ मंथ देयर एफसीआरए परमिशन वाज कैंसल्ड। अब दोबारा रिस्टोर हो गई हो तो पता नहीं, पर कम से कम कैंसिल तो हुई थी। जैसे ये मैं दिखा रही हूँ ना कि हमारे साइंटिस्ट को भी दे दिया, नाभी नारायणन जी को भी पद्मा अवार्ड, पर इसरो को न्याय नहीं मिला। पर खैर ये तो बात सुनवाई हो गई, ये इन दोनों की जो
एनजीओज हैं इनकी फॉरेन फंडिंग कैंसिल हो गई। फिर मैंने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को जुलाई 26, 2022 को, ये भी मांग की थी। मैं मिलने नहीं गई, मैंने जैसे बोला ना, मैंने मिलना बंद कर दिया था। और इसमें डिमांड की थी टोटल बैन ऑन जिहादी क्यूरिकुलम इन जामिया, एएमयू, हमदर्द यूनिवर्सिटीज एट्सेट्रा। ये इतना जहरीला इनका क्यूरिकुलम है, ये स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं। तो मैंने उदाहरण देते हुए कि क्या क्या ये जिहादी बातें सिखा रहे हैं अपने स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज में, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से ये जिहाद की ट्रेनिंग दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज में। तो इस पे कुछ आपको लेना चाहिए एक्शन। अब पता नहीं इस पे कुछ किया नहीं किया, जामिया ने कहा भी कि उन्होंने कुछ विड्रॉ किए हैं, इसका मतलब इट वाज एडमिशन ऑफ गिल्ट। पर वो जो काम ढंग से होना चाहिए, यहाँ भी हमने कहा था एकेडमिक इनका ऑडिट हो, उर्दू फारसी जानने वाले लोग इनका एकेडमिक ऑडिट करें कि क्या पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी में ही सिर्फ नहीं। पर जाहिर है उनका साथ, उनका विकास वाले लोग कैसे करने वाले थे। फिर मैंने होम मिनिस्टर से सितंबर 2022 में अपील की थी कि जो कश्मीर का मीडिया है जो जिहादी नैरेटिव फैलाता है, इसको कम से कम सरकार पैसे देना बंद करे। क्योंकि और तो और अंडर द टेबल तो बहुत पैसा जाता ही है कश्मीर के जर्नलिस्ट को, एडिटर्स को, पर साथ में बड़े बड़े एड्स देते हैं, तो मुफ्त के घर, ऑफिसेज, बड़ी फैसिलिटीज दी हुई है कि इनको तो कम से कम बंद कीजिए। मुझे नहीं लगता कि वो काम किया गया। लेकिन 2023 जुलाई में जो मेरी एक अगेन अपील थी ओपन लेटर के रूप में, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स टू स्टॉप देवबंद क्यूरिकुलम विच लेजिटिमाइजेस सेक्सुअल बेस्टियलिटी इन कोर्स क्यूरिकुलम ऑफ देवबंद, कि देवबंद में जो उनका क्यूरिकुलम है, किस किस्म की भीषण बातें उनको सिखाई जा रही हैं। आप डेड बॉडीज के साथ रेप कर सकते हो, महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ, माँ के साथ, उसके साथ, मतलब भयंकर। वो हमने उदाहरण देते हुए कि जो ये कोर्स क्यूरिकुलम में इनकी किताबें हैं, इनका भी एडिट ऑडिट होना चाहिए और बैन होनी चाहिए। तो आई मस्ट से The chairperson of this National Commission for Child Rights immediately उसने एक्शन लिया, इनका शुरू हो गया पूरा इंक्वायरी इनके ऊपर, और ज्यादा शोर नहीं मचाया, पर एक्शन कम से कम एक्शन जरूर शुरू हो गया। और ये कहानी है जो जो चीजें मैंने मांगी थी, ये जो मैंने जोशुआ प्रोजेक्ट का बता रही थी ना मैं, जो खाप पंचायत, ये चर्च प्लांटिंग का सारा केस था। और जो मोदी जी के पास लेके गई थी, केस स्टडीज भी थी मेरे पास कि कैसे नट कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है कन्वर्जन्स के लिए, इनका कुछ कीजिए, वो नहीं हुआ। ये पुलिस फाउंडेशन वाली, ये मैंने कहा ना हमारी इम्पैक्ट हुआ, जो अमित शाह जी ने कम से कम दो एनजीओ का बंद किया, फिर उसके बाद क्या हुआ ये नहीं पता। ये है जो रिपोर्ट मैंने की थी ना, जिहादी क्यूरिकुलम, ये ओपन लेटर लिखी थी प्रधानमंत्री को भी, और शायद यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को भी, शायद उन्होंने तो कुछ शुरू किया इंक्वायरी। ये आदित्यनाथ ने ओपन लेटर है जो कि कश्मीर का जो जिहादी मीडिया, इसको प्रमोट करना बंद कीजिए, ये तो नहीं कुछ हुआ। फिर कथुआ पे तो आप जानते ही हैं, तब मैंने जरूर ये किताब लेके, क्योंकि उस वक्त जब ये किताब आई तो मैंने मोदी जी से जरूर उनके ऑफिस से कहा, पहली बार मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली, मैंने मांगी थी कि मैं किताब आके देना चाहती हूँ, जिसमें मैंने ये बोला उनके ऑफिस में कि पीएमओ के रोल को मैंने खुलेआम क्रिटिक किया है कि पीएमओ की जिम्मेदारी, हाँ इसीलिए नहीं मिला। तो क्या, अरे मुझे कोई कहे कि आपने ये गलती की और मैंने किताब में लिखी है, आप जरा देख तो लो आपने क्या गलती की है, तो मैं तुरंत बुलाऊंगी उसको।
और अब कथुआ वाला जो फेक नैरेटिव इन्होंने चलने दिया, मासूम हिंदुओं को फंसाया, वहाँ डेमोग्राफिक इन्वेजन होने दिया, तो ये भी तो माफ करने लायक बात है नहीं, है ना। ये दारुल उलूम वाला सरकार इन्हीं की चल रही थी, सरकार तो इन्हीं की चल रही थी। बिल्कुल, ये मेरी पिटिशन थी दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ, जो उनका कोर्स क्यूरिकुलम है। अब हम इनको इतना रिसर्च करके सब कुछ दिए जा रहे हैं, तो काम तो इनका है ना इसका इस्तेमाल करना। चलिए, आप रिसर्च नहीं कर सकते, तो अब ये समराइज किया मैंने, और भी छोटे मोटे किस्से होंगे, क्या क्या मैंने मांगा मोदी जी से, और लेखा जोखा भी दे दिया जहां एक्शन नहीं हुआ, या मोदी जी ने बिल्कुल नकार दिया बात को, या ध्यान नहीं दिया, या कहा कि हाँ हाँ कुछ होगा पर किया नहीं। तो आप बताइए, इसके साथ साथ संदीप भाई अपमान करते हैं, अगर हम शिकायत भी करें, आप हम पे इतने अत्याचार हिंदू समाज पे करें, हम शिकायत का भी हक छोड़ दें और शिकायत करें तो गालियां खाएं कि ये तो बिक गई हैं, ये सठिया गई हैं, ये तो नशेड़ी हो गई है, ये जो अपमान किया है ना राज्यसभा सीट का उलाहना लेते हुए, जो आए दिन आपके गुर्गे अपमान करते हैं ना मोदी जी, एक द्रौपदी का अपमान हुआ था ना तो महाभारत हो गया था। मेरे पास तो कोई पांडव भाई नहीं है कि वो मेरे ब्याह पे कोई महाभारत छेड़ दे, या भीम की तरह उस अपमान का बदला ले, नहीं है मेरे पास वो ताकत, लेकिन दिल से बद्दुआ तो दे सकती हूँ, इस अपमान की हकदार में नहीं थी। पर एक मायने में अच्छा किया आपने, अपना सही चेहरा दिखा दिया, क्योंकि जो एक लिहाज था, मैं आज भी मोदी नहीं कहती हूँ, मोदी जी कहती हूँ। कोरोना काल में भी जब आपने कहर ढाया आयुर्वेद को लेकर और एक जहरीली वैक्सीन ठोकी आपने, मैं ऐसे हाथ जोड़ के आपके आगे 10-12 प्रोग्राम किए कि मोदी जी प्लीज संभल जाओ, ये मत कीजिए, ये जेनोसाइडल काम है, ये आने वाली पीढ़ियों को तबाह करेगा, ये एजेंडा बहुत खतरनाक है, ये लेकिन बीमारी। आप तो कह रही हैं कि आने वाली पीढ़ियों को तबाह करेगा, अब कोवैक्सीन कोविशील्ड सब आ गया, फिर भी तो हिंदुओं की आंख नहीं खुलती, जिनके घर के बच्चे गए हैं वो भी तो पगलाए घूम रहे हैं। देखिए, जनता जो है उसके पास जानकारी के इतने कम साधन है, जो थोड़ा बहुत एक दरवाजा खुला सोशल मीडिया के माध्यम से, उसका इस्तेमाल लोग भरपूर कर ही रहे हैं ना संदीप भैया, कर ही रहे हैं, माहौल बदल ही रहा है, हम पे शैडो बैन है। अब बताइए, आज तक कांग्रेस के खिलाफ इतना कुछ लिखा उन्होंने, कभी सेंसर नहीं किया हमें, आपने शैडो बैन कर रखा। आज कोई ढंग का पब्लिशर बात मेरी किताब लेने से डरता है, क्यों? क्योंकि उस पे गाज गिर जाएगी। जब आपने इतनी गाज गिराई है, ट्विटर पे शैडो बैन, यूट्यूब हमारी टेम्पर होती है, मेरी ईमेल तक हैक्ड है, आप अपना सारा जो तंत्र है मेरे खिलाफ खड़ा कर देते हो और रोज गालियां दिलवाते हो, तो मोदी जी आपने लिहाज अपना खुद खराब किया, नहीं तो मैं कम से कम चुप रह जाती कड़वे घूंट पीकर कि चलो करने दो, पर अपमान जिस तरह आपने करवाया है ना, ये अक्षम्य है। और पहली बार तो अब तो उनके लोगों ने और खुद अपने मुंह से उन्होंने खुद को पैगंबर घोषित कर दिया है, और तो मैं तो उनका पहली बार कह रही हूँ, मोदी जी दिल से बद्दुआ निकलती है जब आपका ये चेहरा और चरित्र देखने को मिलता है।